हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीएम्बल के अंडर जो भी आता है वो सारा इस वीडियो में कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रीएम्बल का आइडिया हमें कहाँ से आया है, क्योंकि आपने देखा होगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इसका आइडिया जो है हमें यूएसए से आया है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, राइट। तो प्रीएम्बल का आइडिया हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, और यहाँ पे जो हमने लैंग्वेज अडॉप्ट की है प्रीएम्बल के लिए वो हमने अडॉप्ट की है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहले तो कि आइडिया और लैंग्वेज कहाँ कहाँ से आया है। आइडिया आया है यूएसए से, लैंग्वेज का लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हमने फॉलो की है। अब प्रीएम्बल होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। प्रीएम्बल स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप कोई भी बुक खरीदते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक ले ली, तो उसमें स्टार्टिंग में क्या होते हैं कंटेंट्स होते हैं कि हाँ जी बुक में 8 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं, वो एक इंट्रोडक्शन होती है बुक की। तो वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंट्रोडक्शन है हमारी प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को हम हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। ओके, एन ए पालकी वाला ये एक इकोनॉमिस्ट थे। ही कॉल्ड द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने प्रीएम्बल को कहा है कि प्रीएम्बल क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है इंस्टीट्यूशन का, मतलब एक पहचान पत्र है हमारे संविधान की, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब प्रीएम्बल बेस्ड किस पे है, ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से, ये वाला क्वेश्चन भी बनता है इसमें से डायरेक्टली, कि कौन से तीन वर्ड्स जो हैं वो प्रीएम्बल में सबसे लास्ट में ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए प्रीएम्बल में अमेंडमेंट का थोड़ा इशू रहता है, लेकिन प्रीएम्बल में आज तक अमेंडेड ओनली वंस। प्रीएम्बल आज तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, मतलब उसमें आज तक सिर्फ एक बार सुधार किया गया है। कब किया गया है, 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसमें तीन वर्ड्स ऐड किए गए हैं। कौन से हैं ये तीन वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। आपको ये अच्छे से याद रखने हैं कौन से हैं तीन वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, राइट। नाउ कम्स कि जो हमारा प्रीएम्बल है इसमें आइडिया जो है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का, ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने लिए हैं रशियन रेवोल्यूशन से। ये क्वेश्चन भी बनता है और हमें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन आया कहाँ से। वैसे ही जो आइडिया है फ्रिटर्निटी यानी भाईचारे का, इक्वालिटी का और लिबर्टी का, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, राइट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को अमेंड कैसे किया जाए, ठीक है। तो देखिए अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है, आर्टिकल 368, जिसमें क्या कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं टाइम के हिसाब से और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो लेकिन प्रीएम्बल में क्या अमेंडमेंट की जाती है, की जा सकती है अंडर आर्टिकल 368, ये क्वेश्चन उठाया गया सबसे पहले केशव नंदा भारती केस 1973 में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, तो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न भी दिया। डिसीज़न क्या दिया, दैट प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज़ डन टू द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं वैसे प्रीएम्बल में भी कर सकते हैं, राइट। मतलब इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कोई भी अमेंडमेंट जो है इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को हिला डाले। इसके जो बेसिक फीचर्स हैं जैसे कि फ्रेटर्निटी का, इक्वालिटी का, लिबर्टी का, ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से इन्होंने कहा कि देयरफॉर अमेंडमेंट हम कर सकते हैं प्रीएम्बल में। इसके बाद जो है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अमेंडमेंट हुई प्रीएम्बल में, जिससे तीन वर्ड्स जो हैं प्रीएम्बल में ऐड किए गए जो हैं SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, राइट। सो आई होप आपको प्रीएम्बल अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको प्रीएम्बल अच्छे से समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट है फिर भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसे क्लियर करने की। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छे से पता है क्या करना है,
आपको कर देना है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इस तरह के नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड अगर मैं किसी आप में से किसी को भी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाऊँ तो मैं बहुत लकी समझूंगी अपने आप को, बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, अपने नोट्स शेयर करने के लिए। एंड दैट्स इट गाइस, आज के लिए बहुत है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटी के ही हैंड रिटन नोट्स, जिसमें हम कोई नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसे कवर करेंगे। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।